नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग एक सूचना देखेंगे जो कि 17/11/2020 को एक लेटर निकाला गया ऑफिस ऑफ द डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर RPF साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची के द्वारा, जिसमें ये सारे लोगों को एड्रेस किया गया है। और एड्रेस करने के बाद ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसका एग्जामिनेशन डेट इन कनेक्शन विद CBT फॉर सेंट्रलाइज्ड सेलेक्शन फॉर द प्रमोशन फ्रॉम हेड कांस्टेबल टू ASI फॉर ऑल जोनल रेलवेज ऑब्लिक RPSF अंडर रूल 70 ऑफ RPF रूल 1987। तो जो रूल 70 के तहत हेड कांस्टेबल से ASI का एग्ज़ाम होना था, हेड कांस्टेबल से ASI का एग्ज़ाम जो कि टेंटेटिव 28/11 रखा गया था, लेकिन वो अब जो है आपको उसका डेट के लिए निकाला गया है। कौन सा डेट है ये पूरे लेटर में हम लोग डिस्कस करेंगे। दो लेटर एक साथ आज पब्लिश हुए हैं जिसके कारण लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। इस लेटर को हम लोग यहाँ जिक्र करेंगे क्योंकि ये अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड वाले लेटर का वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा कि वो लेटर किस लिए दिया गया है और क्या कन्फ्यूज़न है उसको मैंने दूर कर दिया है। तो इस लेटर को देखते हैं। इस लेटर में क्या है, आफ्टर डिस्कस विद द एजेंसी हायर, जो एजेंसी हायर की गई थी किसके लिए, CBT एग्ज़ाम के लिए जो एजेंसी हायर की गई थी, उनसे डिस्कस किया गया फॉर कंडक्ट ऑफ CBT टू डी फॉर DPC, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने के लिए, फॉर DPC मतलब DPC डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी जो है उसके, किसका, हेड कांस्टेबल टू ASI का। एग्जामिनेशन डेट इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 12/12। तो ये आप कंफर्म हो जाइए कि आपको 12/12 को अब एग्ज़ाम होगा किसका, जो कि रूल 70 के तहत हेड कांस्टेबल से ASI वाला जो है उनके लिए एग्ज़ाम होगा। द लिस्ट ऑफ सेंटर्स फॉर द कंसर्न्ड जोनल रेलवेज विल बी अपडेटेड आफ्टर रिसीप्ट ऑफ अपडेट कैंडिडेट लिस्ट फ्रॉम जोनल्स। हुआ क्या है कि कुछ लोगों ने विलिंग दिया फिर अनविलिंग दिया, तो इस कारण थोड़ा सा डिले हो गया है, उसलिए वो अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगा। उस अपडेटेड लिस्ट के बाद सबके रोल नंबर अलॉट किए जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए जाएंगे और एग्ज़ाम आपका जो है 12/12/2020 को होगा। अब क्या है कि रूल 70 के तहत एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का भी व्यवस्था किया गया है। मान लीजिए कि 12/12 को जो एग्ज़ाम शेड्यूल होना था उसमें कोई व्यक्ति बीमार हो गया, जो विलिंग दिया था वो एडमिसेबल वहाँ पर वह अपियर नहीं हो पाया एग्ज़ाम में, चाहे कोई और भी कार्य के कारण अपियर नहीं हो पाया, तो उन्हें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के थ्रू अपियर करवाया जाता है। तो क्या है, द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर CBT इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 27/12, मतलब 12/12 को फर्स्ट एग्ज़ाम होगा और फिर 27/12 को जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। द लिस्ट ऑफ द सेंटर्स विद कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड आफ्टरनून कंडक्शन ऑफ CBT ऑन 12/12 बेस्ड ऑन अटेंडेंस ऑफ द कैंडिडेट। जो है वो कैंडिडेट कौन कौन से 27/12 को कहाँ अपियर होंगे उनके लिए क्या है, 12/12 को जो है अटेंडेंस ले लिया जाएगा, जो भी लोग उसमें अब्सेंट होंगे तो उनके लिए फिर सप्लीमेंट्री व्यवस्था की जाएगी। क्या रहा है, एज पर पारा नंबर 14 चैप्टर 5 एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल RPF, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ऑल PSCs टू काइंडली इंश्योर दैट ऑल कैंडिडेट्स आर प्रोवाइडेड विथ ऑफिशियल फोटो आइडेंटिटी कार्ड फॉर ऑथेंटिकेशन व्हेन दे कम CBT। तो आपको एक ऑथेंटिकेशन के साथ जो है CBT में अपियर होने के लिए भेजा जाएगा, ये PCSE से रिक्वेस्ट किया गया है। तो ये इस वीडियो का पूरा सार था जिसमें इस लेटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और ये सारे लोगों को दिया गया है क्योंकि ये चेयरमैन है DPC के, सीनियर DSC साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसलिए उनके तरफ से यह लेटर निकला हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया कि अब आप लोग कमर कस के तैयार रहिए, सारे वीडियोज़ को बार बार रिवाइज कर लीजिए ताकि 12/12 के एग्ज़ाम में आप सफलता हासिल कर सकें। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए और अंत में आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।